हेलो जी कौन बात कर रहे हैं? भैया, हम आपके एक फ्लोअर बात कर रहे हैं। जी भाई, भैया, मैं हिंदू नाम क्या धर्म हुआ से रिलेटेड आपका? हूँ। मेरा कुंदन प्रताप सिंह नाम हुआ सर। जी कुंदन जी, जी मैं हिंदू धर्म का मानता हूँ और हिंदू धर्म से रिलेटेड हूँ। ठीक है सर। दोनों सर, आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं या हिंदू से? दोनों से। से हैं। सही बात है सर। सर, आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये किसी अपने सनातन धर्म के साधुओं को या किसी गॉड को मजाक बनाने का क्या मिलता है सर? तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं बढ़ाना चाहिए। अब सर, आपने तो हर वीडियो में बनाया है। वो आपको मजाक लगा हो तो उसमें मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इंटेंशन तो नहीं थी मजाक उड़ाने की। अगर प्रेमानंद मजाक महाराज जी का उड़ाने की आपने बात आती तो बीच में वो जी जी हंसी के आवाज, वो मीम वगैरह वो लगते हैं तब बनता है ना कि भी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी नहीं, किसी प्रेमानंद जी वीडियो पे में जो हंसी की वीडियो नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी पे जो आपने वीडियो बनाया है, वो मैं देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आज से आज 4-5 महीना पहले भी आपको मैंने मैसेज किया था अपना मतलब बात रखने के लिए। तो इसमें देखिए, आपको खुशी मिलती है, आप पैसा कमाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जो उनसे जुड़ा है उनको दुख होता है ना। तो तो दुख किस इसका चीज का मना रहे हो? आपको किस बात का दुख हुआ ये बताओ ना। दुख ये है कि हम उनको पूज्य गुरु जी मानते हैं, आप उनको मतलब उस टाइप का आप उनको बोलते हैं, तो हम क्या लोगों को बोले दुख थे, होता क्या है। बोलते हैं? वो आप वीडियो देख लो ना खुद सर, नहीं, मैंने आप तो पे उस पे देखा है। कितना कमेंट है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि आपको किस चीज का बुरा लगा। आप वीडियो बनाते हैं, सिर्फ डालते हैं या कमेंट का उसका रिव्यू भी देखते हैं? आप नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। नहीं देखते हैं, तो यही तो गलती है ना आपकी। नहीं तो मुझे आप बताओ ना, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल किए हो तो मुझे आप बताओ हाँ, कि आपको किस टेस्ट सॉल्व चीज का करने बुरा का यही था लगा। सर कि तो प्लीज, हमारे गॉड, हमारे देवी देवता, हमारे साधु जो पूज्य महाराज हैं, उन पे आप ऐसा ना डाले वीडियो। भैया, हम लोगों को हर्ट होता है, दुख होता है कि अरे यार तो आप किस चीज का दुख होता है? क्या मेरी ऐसी बात होती है? अभी आपने जब मुझे कॉल किया होगा तो किसी बात को सुनकर के ही तो कॉल किया होगा, तो वो मुझे बात तो बताओ कि भाई इस बात को आपने सुन के हमको बुरा लगता है, आपने ये बात गलत बोली है। अब मुझे बात तो बताओ आप, तभी तो मैं वो समझू पूरा वीडियो ही गलत है। प्रेमानंद जी महाराज पे आपने उंगली उठाया है, क्या बोला है मैंने उसमें। अरे उसमें देखिए आप कितना पुराना वीडियो है। हम आप देखिए उसमें क्या बोला है आपने। तो आपने तो देखा है यार, यही तो बात है। आप भक्ति क्यों करते हो, किसी की पूजा पाठ क्यों करते हो, किसी को क्यों मानते हो, आपको वो भी नहीं पता होता है? और किसी क्यों के नहीं पता कहने है? से आप आप पूछिए क्यों ना, बुरा आप मानते पूछिए। हो, क्या बुरा अरे लगता क्यों है नहीं आपको, मानेंगे वो भी भाई, नहीं पता है? हर चीज एक विश्वास से जुड़ा हुआ है और हम लोग विश्वास करते हैं। आप भी कहीं जुड़े क्यों हैं ना, तो विश्वास विश्वास से करते ही हो? जुड़े हैं, क्यों नहीं विश्वास करेंगे? एक बात आपको बताओ, विश्वास, प्रेमानंद हाँ हाँ महाराज जी ने एक बात बोली थी उस वीडियो में जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि भैया जी, किसी के साथ में कुछ गलत हुआ था, तो उस हाँ व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी मुझे बताइए कि उस व्यक्ति ने गलती करी और उसकी गलती की वजह से मुझे 2-3 ऑपरेशन और कराने पड़े और मेरा लाखों का खर्चा हुआ, हाँ तो बताओ मैं क्या करूं, उस पर कोर्ट कचहरी केस करूं या क्या करूं क्या ना करूं? तो बाबा तो जी जो ने गलत बोला, कर रहा है उसको सुनिए, गलत, तो हाँ 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 जी, बाबा जी ने बोला कि भैया जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जीवन है ये आपके कुछ पुराने जन्म के कुछ कुकर्म रहे होंगे, उसकी सजा आपको इस जीवन में ये मिली है कि उसकी गलती की वजह से आपको लाखों खर्च हुआ है। प्रेमानंद अच्छा, बाबा जी ने भैया ये तो बोला, एक आप मुझे सेकंड, एक बताइए सेकंड, क्या ये बात ठीक है सही ठीक है है ठीक। या हम नहीं? आपको 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 हम 100 ऐसे वीडियो देते हैं मुसलमान धर्म के, मुस्लिम धर्म के अरे मुस्लिम बाबाओं पे के कहाँ आ साधु। गए भाई, पहले नहीं नहीं अभी भाई, यहीं पे बात कर लो जिस चीज से आप आप हर्ट हिंदू हुए के हो तो हो। हिंदू का मजाक, हिंदू के हो तो हिंदू का मजाक बना रहे हो। हम अरे बौद्ध के भाई, देख रहे हैं, अरे सांख मैं के देख क्या रहे हैं, बोल रहा आप हूँ, उनसे भी तो बोल दो आप। आप देखो कितने 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब मैं बात अरे पे भाई, बात कर रहा यही तो हूँ गलत है तो ना, आप जब बात पे अपने बात धर्म करो ना, आप, हाँ हम बात पे ही बात कर रहे हैं, तो बात हम बात बात पे ही करो बात जो कर रहे प्रेमानंद हैं, महाराज जी ने बोला जो तो उस सिर्फ वीडियो में था, मैंने आपको वो बताया। अब आप मुझे वैसे तो बताइए कितने क्या गलत है ना, प्रेमानंद महाराज वैसे तो जी की, कितने अरे गलत है कितने गलत हैं वो छोड़ दीजिए, पहले जिनकी वीडियो देख करके आप हर्ट हुए हो उसके बारे में तो बात कर लो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो बात करेंगे, प्रेमानंद चलिए महाराज बोलिए। जी ने जो बोला क्या वो बात सही है या गलत है? क्या उस व्यक्ति को कोई एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति लेना जिसकी चाहिए, वजह से बिल्कुल नुकसान लेना हुआ? चाहिए, लेना बिल्कुल लेना चाहिए ना, चाहिए, तभी हाँ तो उसको जस्टिस मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब प्रेमानंद महाराज जी ने तो ये बोल दिया कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म के फल हैं, तो इसलिए कुछ मत करो। बिल्कुल, अरे वो एक किस किस बात को लेके बोले हैं ये आप जान जान रहे हो। हाँ जान रहे अगर हैं, आपको किसी दुख होता है, कोई बीमारी होता है या कुछ भी होता है, तो भाई तुम्हारे कोई गलत काम किए हो या कुकर्म किए, वो आस्था से जुड़े हैं, वो आस्था वाली बात बोले, वो आस्था से जुड़े हैं, आस्था वाली बात बोले। वो तो ये नहीं कह रहे तो हो, बात उसको मना गलत तो है नहीं किया ना। कि तुम केस मत करो, क्रिमिनल बन वो मत करो, उस पर
जाके तुम करोगे, प्रेमानंद जी थोड़ी आके आपको रोक लेंगे। तो लेकिन उन्होंने मना किया ना, मना कर दिया ना उसके सामने कि भाई नहीं नहीं आप ये समझ लो कि आपका कुछ कुकर्म का फल था और आपका जीवन में ऐसा घटना हुआ तो आप इसको ऐसे सबसे ज्यादा ना आपने जानते हैं, सबसे ज्यादा बात यह है ना कि ये हिंदू धर्म वाली बात हम नहीं कर रहे हैं भाई, धर्म वाली बात नहीं कर रहे हैं। बात यह है ना कि मतलब कुछ भी हो हिंदू धर्म पे डाल दो, बोल दो। अरे वो बोले आस्था के रूप से बोले, तो आस्था के रूप से बोले कि आपने कोई गलती किया होगा। आस्था के रूप से अगर बोले हैं तो वो सामाजिक रूप से तो गलत है ना। सामाजिक रूप से जिसके साथ हुआ वो सोचे ना, तो उसी को तो सोचने के लिए बोल रहा हूँ, उसी को तो सोचने के लिए वो वीडियो मैंने बनाया है ताकि उसके जैसे जो अन्य लोग हैं, ताकि जो अन्य लोग हैं वो जाकर के बाबा से सलाह ना लें उस चीजों के बारे में। यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप उसका जिस तरीके से समाधान हो सकता है उस तरीके से समाधान लो और जस्टिस पाओ। हाँ ठीक है ठीक है। अगर डॉक्टर की वजह से गलती से ऑपरेशन हुआ था, आप मानवता से जुड़े हैं ना, आप मानवता के लिए आवाज उठाते हैं ना, आप मानवता के लिए आवाज उठाते हैं ना, मानवता के लिए इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं। दो चार और वीडियो हम भेज रहे हैं उससे भी बना दीजिए प्लीज। अगर आपकी वीडियो है आप और भी मतलब इंसानियत इंसान होता है उसमें धर्म की बात ही नहीं होती है। बिल्कुल, या वो मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या एनी बडी बडी कोई भी हो, ठीक है। तो उससे उन अगर किसी इंसानियत को कोई चीज की क्षति होती है तो उससे भी वीडियो बनना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो हम आपको भेज रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर यही है आपका। हाँ, प्लीज उससे वीडियो बनाइए, हम आपका वीडियो जरूर देखेंगे, उस पर कमेंट भी करेंगे। थैंक यू भैया, आपने इंसानियत के साथ खड़ा है। ठीक है ठीक है, भेज रहे हैं अभी आपको। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं उनको वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद में फिर किसी साधु संत पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको चलेगा? नहीं चलेगा नहीं। ठीक है ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक ठीक है भाई।